चमोली में स्थित सिमली के निकटवर्ती गांव में इन दिनों दिन दहाड़े गुलदार की धमक से भय का माहौल है। आवासीय बस्ती में गुलदार के दिखने से जनता दहशत में। गुलदार ने दिन दहाड़े स्थानीय निवासी मनोज कुमार की गाय को अपना निवाला बना दिया है। इससे पहले भी गुलदार कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। दरअसल सिमली के निकटवर्ती गांव में गुलदार के आवासीय बस्ती में दिखने से जनता में दहशत है। सिमली बाजार औद्योगिक क्षेत्र राड़खी मजियाणी टटासुसैन टौण डिम्मर और सिमली गांव में गुलदार का आतंक है। पहले केवल रात में ही गुलदार इन इलाकों में आता था, मगर अब गुलदार दिन दहाड़े आकर आतंक मचा रहा है। गुलदार का लगातार आबादी वाले गांव बस्तियों बाजारों कस्बों में दिखाई देने से आम जन दहशत में है। वहीं स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि सिमली क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। ये बताया गया कि एक सप्ताह पहले ही गुलदार ने राड़खी गांव के रामेश्वर प्रसाद की जंजीर में बंधे कुत्ते के ऊपर सुबह 9 बजे हमला कर अपना शिकार बनाया था। गुलदार अब तक आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। केवल यही नहीं, गुलदार अपने शिकार की खोज में सुबह दोपहर शाम और रात को भी गांव की गौशाला के आसपास भटक रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता में दहशत है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। विकास खंड कर्णप्रयाग के ग्रामीण भी गुलदार की धमक की वजह से खौफ में जी रहे हैं। रोजमर्रा के काम और बाजार में व्यवसाय करने वाले क्षेत्रीय लोगों को गुलदार की वजह से आने जाने में भी डर लगता है, क्योंकि गुलदार पूरे दिन भर क्षेत्र में यहाँ वहाँ शिकार की तलाश में घूमता रहता है। इस वजह से लोगों के बीच में दहशत पसरी हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बीते 2 दिनों के दौरान सुबह और शाम ढलते ही गुलदार नगर के ITI अपर बाजार और ढलान नुमा पहाड़ियों पर नजर आया। पहाड़ी से गुजर रहे गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार से जमकर वायरल हो रहा है। मेरी रिपोर्ट रायशुमारी।